ये आप रखें, घर के अखराजात हैं, आप रखें। तो ओके ये चेक है, आप अपने अकाउंट में डलवा लीजिएगा। क्या जरूरत है? मेरे अकाउंट में अभी बहुत पैसे हैं, जरूरत नहीं। मम्मी अगर जरूरत नहीं है तो मुझे दे दें। उसको देखो। तुम लोगों के अकाउंट में डलवा दिए हैं पैसे, जेब खर्च के। थैंक यू भाई। इसको तो जितना दो ना उतना ही कम है। अम्मी महंगाई भी तो देखे ना आप। तो तुम्हें कौन सा अपना खानदान चलाना है? अपनी आवारा गर्दियों में ही खर्च करना है तुम्हें? तुम भी तो यही करती हो। जी नहीं, मैं सेविंग्स करती हूँ, आपकी तरह बिला वजह खर्च नहीं करती। अच्छा बहस नहीं करो, जरूरत होगी तो मुझसे कह देना। कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत फजूल खर्च हो गया, नजर रखो इस पर। भाई मेरे शहजादे को कोई कुछ ना कहे, यही तो उम्र होती है शौक पूरे करने की। भाई आपके ही लाड प्यार ने से खराब किया। अच्छा लाड प्यार तो मैंने आपसे भी बहुत किया है, आप तो नहीं बिगड़ी। क्योंकि भाई मैं आपकी तरह हूँ और आपकी तरह बनना चाहती हूँ, सादा सच्चा, मेहनत से मुकाम बनाने वाला, सबसे प्यार करने वाला। अम्मी एक नई सोसाइटी लॉन्च कर रहा हूँ, उसमें इन तीनों के लिए भी प्लॉट्स लिए हैं। किस लिए? देखिए अम्मी, देखा जाए तो ये सब कुछ भी हम सबका ही है। अगर बस मैं सोच रहा था कि इनके नामों पर भी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। वैसे बहुत अच्छा सोचा भाई आपने। नहीं भाई इसकी तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप सब कुछ कर तो देते हैं तो प्रॉपर्टीज की क्या जरूरत है। और इसको तो बिल्कुल भी मत दीजिएगा, ये तो अगले दिन ही बेच के खा जाएगा। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, मुझसे ज्यादा खर्च तुम करती हो। और अभी बाहर जाओगी उसपे इतने लाखों खर्च होंगे, फिर तुम्हारी शादी भी होगी उसपे भी इतने पैसे खर्च होंगे। बाज बुरी बात है, भाइयों की कमाई में बहनें हकदार होती हैं, इनको तो खुशी से देना चाहिए, कमाई में बरकत होती है। और अरीशा आप बिल्कुल फिक्र ना करें, पावर ऑफ अटॉर्नी अम्मी के नाम करवा रहा हूं मैं, तो लिहाजा कोई अपनी मर्जी से बेच नहीं सकेगा। अम्मी आपने तो कुछ कहा ही नहीं। ये चुप हो तो मैं कुछ कहूं, वैसे इन चीजों की जरूरत नहीं थी ईसा, तुम बड़े हो इस घर के, तुम रखो चीजें अपने नाम पर। जरूरत है ना, आप बस मुझे इजाजत दें। उसी सोसाइटी में मैंने आपके लिए भी 1000 गज का प्लॉट लिया है, आप बस इस फाइल में साइन कर दें। क्या जरूरत थी? मुझे जरूरत है ना, इस सब से मेरे कारोबार में बरकत होती है। जीते रहो। चलो भैया कॉफी बना के पिलाओ मुझे।